दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी तुम और पापा दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीना और नितिन की शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं। नितिन एक बड़ी कंपनी में उस पद पर कार्यरत है। मीना ने स्नातक तक पढ़ाई की है तथा उसने हाउस मेकर बनना ही पसंद किया। शादी के 2 वर्ष बाद मीना प्रेग्नेंट हो गई। समय आने पर एक बहुत प्यारे खूबसूरत बेटे की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुखी नौकरी के कारण वे शहर में अकेले रहते थे, इसलिए बच्चे की परवरिश का पूरा भार मीना पर ही था। आजकल के अभिभावक बच्चों से कुछ छुपाते नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। बच्चों से काफ़ी बातें छुपाई जाती थी। बच्चों के सामने मासिक धर्म, गर्भ धारण, स्तनपान या सेक्स संबंधी कोई भी बात करना निषेध होता था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें बच्चों को नहीं बताई जाती थी। मीना और नितिन भी यही सोच रखते थे कि बच्चों को सही जानकारी समय समय पर देते रहना सही, वरना वे बाहर से गलत जानकारी लेकर जीवन में कुछ भी गलत कदम उठा सकते। इसलिए वे बंटी के साथ खेलते, मस्ती करते या बाहर घूमने फिरने जाते, उसे तरह तरह की जानकारी देते रहते थे। कई बार बंटी मीना के पेट पर सट जाता। वह उसे कहानियाँ सुनाती, हंसी मजाक करती, फिर उसे कहानी सुनाने के लिए कहती। जब वह अपनी टूटी फूटी भाषा में कहानियाँ सुनाता तो मीना निहाल हो जाती। मीना और नितिन उस पर बेहिदा प्यार लुटाते। ऐसे ही बड़ा खुशगवार समय बीतता गया। बंटी 3 साल का हुआ तो मीना दोबारा गर्भवती हो गई। उनकी योजना थी कि दूसरे बच्चे के बाद उनका परिवार सीमित हो जाएगा। मीना के मन में विचार उठने लगे कि उसकी बदलती शारीरिक अवस्था को देखकर बंटी रोज नए सवाल पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी। और वही हुआ, जब कभी मीना को उल्टी होती तो वह हैरानी से पूछता, मम्मी ये रोज रोज आपको क्या होता है, क्यों उल्टी होती है। कभी वह थकान और सुस्ती से लेटी रहती तो पूछता, आप मेरे साथ खेलो ना, लेटी क्यों हो। जब वह उसे गोदी में नहीं उठाती तो नाराज होकर कहता, मुझे उठाओ ना, क्यों नहीं उठाती, मुझे प्यार नहीं करती क्या। मीना कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उसे टाल देती। से महीने बीत चुके थे। अब जब बंटी उसके पेट पर बैठने की जिद करता तो वो मना करती, बेटा मेरे पेट में दर्द है, 2 साल बाद तो वो सूख रहा। फिर एक दिन गुस्से में बोला, ये आपको रोज रोज पेट में दर्द क्यों होता है, पहले तो नहीं होता था। नितिन से इस बारे में बात करने के बाद आखिर उसने एक दिन बंटी से कह दिया, बेटा हमारे घर एक छोटा बेबी आने वाला है। बंटी खुशी से नाचने लगा, सच्ची कहाँ है वो, मीना पेट की ओर इशारा करके बोली, यहाँ है, इसलिए आपका टमी इतना बड़ा हो रहा। वह कुतूहल से बोला। मीना ने हंसते हंसते हाँ कहा तो वह बोला, ये बाहर कब आएगा, कैसे आएगा, डॉक्टर अंकल बाहर निकालेंगे, उनसे कहो ना जल्दी निकाले, मुझे उसके साथ खेलना, उसकी अधीरता देख। मीना ने कहा कि वो 2-3 महीने के बाद आएगा। समय पूरा हुआ और मीना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जब बंटी को अस्पताल ले जाकर बेटी को दिखाया तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, कितनी प्यारी स्वीट गुड़िया। और मीना से बोला, मम्मी अभी आपका पेट का दर्द ठीक हो गया ना, अब मैं उस पर बैठ सकता हूँ ना। मीना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब मीना दोनों बच्चों की परवरिश में पूरी तरह
से व्यवस्था हो गई थी। बंटी भी अपनी बहन सीना को बहुत प्यार करता था, कभी उसके हाथ सूंघता, कभी पैर, कभी सहारा, कभी उसके बालों से खेलता और कहता, कितनी क्यूट है अमीना। और नितिन के बेडरूम में ही बंटी के लिए अलग छोटा पलंग लगा दिया। वह जिद करने लगा कि उसे भी मम्मी पापा के साथ ही सोना। बहुत पुचकारने समझाने के बाद जाकर वह माना। वह मम्मी और सीना की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा था। जब मीना बेटी को नहलाती तब वह खड़े होकर देखता रहता, जब उसे स्तनपान कराती तब भी उसे बड़े ध्यान से देखता और पूछता, ये क्या कर रही है? वो फीड कर रही है, जैसे तुम खाना खाते हो ना वैसे वह भी खाना खा रही, मीना के कहते हुआ पूछता, लेकिन इसके दांत तो है नहीं, ये खाना कैसे खा रही? फिर मीना उसे समझाती कि वह दूध पी रही। वह बड़ी हैरानी और कौतूहल से देखता रहता। दिन बीतते गए। अब सीना लगभग 2 वर्ष की हो गई थी। बंटी और सीना के लिए अब दूसरे कमरे में सोने की व्यवस्था की गई। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद मीना अपने बेडरूम में आती। नितिन और मीना गहरी नींद में थे, तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने तथा बंटी के रोने की आवाज़ आई। मीना ने उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बंटी मीना से सिपक गया, मुझे डर लग रहा था आपने दरवाजा क्यों बंद किया, सलों में सल कर तुम्हारे साथ सोती हूँ, कहकर मीना उसे उनके कमरे में ले गई। उसके साथ लेटकर उसके बालों में हाथ फिरा दे थपथपाते हुए उसे सुलाने लगी। अब मीना ने रात को बेडरूम का दरवाजा लॉक करना बंद कर दिया था। केवल कुछ समय के लिए हमने अतरंग शक में वह दरवाजा बंद कर दी थी, बाकी के समय दरवाजे को केवल उठखा देते थे। आज शनिवार था, कल सवेरे नितिन के ऑफिस था, बंटी के स्कूल की छुट्टी थी, सवेरे उठने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए नितिन और मीना बच्चों के साथ काफ़ी देर तक खेलते रहे, मस्ती करते रहे। सभी रात को देर से सोए। देर रात को नितिन की नींद खुली, उसने मीना को आगोश में ले लिया। नींद के झोंकों में ही दोनों अतरंग सक्षणों के आनंद में खो गए। मीना को ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाजे को लॉक नहीं किया है। अचानक बंटी की आवाज़ आई, मम्मा प्यास लगी है। वह कमरे के अंदर तक आ गया था। नितिन मीना ने जल्दी से सवे को संभाला। मीना बोली, तुम सलों में आती हूँ पानी लेकर। बंटी को पानी पिलाकर वह उसके पास ही लेट गई। जिसका उसे डर था वही हुआ। बंटी बोली, मम्मा आप और पापा क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे क्या? मीना शर्म तथा तनाव के कारण पसीना पसीना हो गई। समझ ही नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, बेटा अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है, कल हम बात करेंगे। बंटी के सोने के बाद जब अपने कमरे में आई तो नितिन भी जाग रहा था। मीना बोली, नितिन बंटी के सवालों का हम क्या जवाब देंगे, उसने हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, पता नहीं वह क्या क्या सवाल करेगा, उसके बाल मन पर गहरा असर पड़ेगा, अब क्या करें? नितिन भी नहीं समझ पा रहा था कि बंटी के सवालों के क्या जवाब देंगे। दोनों ही सवे को उस समय अपराध के लिए अपराध घर्षक पा रहे थे, जो उन्होंने किया ही नहीं था। हाँ, वह उनकी लापरवाही बेध्यानी अवश्य ही थी। वे यही सोच रहे थे कि किसी बाल मनोवैज्ञानिक से मिलकर इस विषय पर कुछ उनके सुझाव लिए जाए। बढ़ते हुए बच्चे तो जिज्ञासा वंश नए नए सवाल करेंगे, उनके हर सवाल का जवाब किस तरह किया जाए, ये भी तनाव का मुद्दा बन